नमस्कार, मैं जुबिनिशा न्याय टीवी के कोर्ट राउंडअप में आपका स्वागत करती हूं। विकास दुबे इनकाउंटर का मामला अब गरमाता जा रहा है। वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर विकास दुबे इनकाउंटर प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। वकीलों ने पत्र में लिखा है कि आम आदमी का अब न्यायपालिका से विश्वास उठ रहा है। वकीलों ने विकास दुबे इनकाउंटर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना एवं भयावह उदाहरण बताया है। उन्होंने चीफ जस्टिस को ये लिखा है कि बिना अदालत के समक्ष उचित और न्यायपूर्ण ट्रायल का अवसर दिए एक अपराधी को मारकर संविधान के तहत स्थापित कोर्ट ऑफ लॉ और उसकी शक्तियों के कार्यों को अपना मान लेने और उसे हथिया लेने की ये कोशिश है। वकील भव्य सहाय और देवेश सक्सेना ने चीफ जस्टिस को लिखा है कि विकास दुबे पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान काल्पनिक प्रतीत होता है और कहीं ना कहीं फिल्म स्क्रिप्ट से प्रेरित है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये प्रार्थना की है कि न्यायालय के सीटिंग जज की देखरेख में विकास दुबे की किलिंग के मामले की जांच का आदेश देना चाहिए ताकि भारतीय न्याय प्रणाली के ऊपर आम नागरिकों का विश्वास बना रहे। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी PUCL ने विकास दुबे एनकाउंटर में SIT से जांच कराने की मांग की है। PUCL ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिया गया ये बयान कहीं न कहीं शंका पैदा कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU छात्र शर्जील इमाम की याचिका को खारिज कर दिया है। इमाम ने जांच एजेंसी को UPA मामले की जांच और चार्जशीट दायर करने के लिए अधिक समय देने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इमाम का आरोप था कि जांच एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है और डिफॉल्ट जमानत देने का उसका अधिकार छीन लिया है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम को जामिया में देशद्रोही भाषण देने और CAA मामले में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। तबलीगी जमात में शामिल हुए अब तक 371 विदेशियों को जमानत मिल चुकी है। ये विदेशी जमाती 31 अलग अलग देशों से हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 82 बांग्लादेशी नागरिकों को भी जमानत दे दी है। इन पर वीजा के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। 10,000 के निजी मुचलके पर इन सभी को छोड़ दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से घिरे वकीलों की मदद के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 500 करोड़ की मदद मांगी है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष KC मित्तल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र में कहा है कि COVID-19 और लॉकडाउन के कारण अदालतें मार्च महीने से बंद थीं और वकील अपने घरों में ही सीमित रह गए हैं। ऐसे में आकस्मिक निधि और PM केयर फंड से वित्तीय सहायता वकीलों को दी जाए, ऐसी मांग की गई है। श्री मित्तल ने कहा है कि वकीलों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। कोरोना महामारी को देखते हुए कोर्ट नोटिस और सम्मन को अब फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के द्वारा भेजता है। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोरोना के मद्देनजर लोगों को पोस्ट ऑफिस जाने में भी अब दुविधा हो रही है।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी है। पुलिस अब तक कई नामी गरामी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसी श्रृंखला में आज सलमान खान के पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी से भी 5 घंटे की पूछताछ की गई। इसी के साथ अब आप मुझे यानी जूबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।